तो ये अपडेट आपको दे रहा है, किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। इस दौरान ये बातें सामने निकल कर आई है कि जो गतिरोध देखने को मिल रहा था वो गतिरोध खत्म हुआ है। न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, मृतक के परिजनों को 45-45 लाख रुपए के मुआवजे की बात की गई है, घायलों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी उनकी योग्यता के अनुसार। तो लगातार जिस तरीके से गतिरोध देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला था, वो फिलहाल खत्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी और अब जो ये वार्ता हुई है, इस वार्ता के दौरान ये समझौता हुआ है। न कभी सुना न देखा, और ये तो वहां जाने तक नहीं देखा। ये सारी घटना को छिपाना चाहते हैं, और आप देखना शाम तक पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से प्रेस रिलीज या प्रेस करा के ये कह दिया जाएगा इसमें सब किसान दोषी हैं, उनका कोई दोष नहीं। हाँ। यही कहा जाएगा। सर, हम लोग शुरू से ही छोटे से तभी से पढ़ रहे हैं भारत में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सर, जब कृषक लगातार आंदोलन में बैठे हैं, तो ऐसी कौन सी मुश्किल है जो उस पर संशोधन करने के लिए लोग तैयार नहीं है या उस पर बात करने के लिए? तो सरकार कहती है कि हम तो बैठे हैं, आए हैं, लेकिन कोई बाकी नहीं मान रहा। ऐसा है, ये सरकार किसानों के लिए कानून नहीं लाई है, ये सरकार कुछ बड़े उद्योगपतियों को किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से, इस पूरे किसानी पर कब्जा करने के उद्देश्य से लाई है। वरना मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इन्होंने उन कानूनों के तहत एक कानून में ये संशोधन किया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर से गेहूं चावल वगैरह को हटा दिया जाएगा, माने जितना चाहे कोई भंडारण कर सके, जमाखोरी चाहे जितनी करे, ये कानून बना बाद में। उससे 3-4 साल पहले से अडानी की लाखों करोड़ों टन इन अन्नों को भरने के लिए गोदाम में तैयार हो चुकी थी। आखिर उसे कैसे मालूम पड़ गया? उसे 4 साल पहले से पता था कि ये कानून हमारे लिए बनाया जा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं बीजेपी वाला दे रहा है। और सर, हम लोग देश भर में एक ये दृश्य देखते हैं, ना हो चाहे वो आलू हो, लोग लंबी कतारों में लोग ले जाते हैं, वहाँ नंबर नहीं लगता और बारिश होती है, सब कुछ सड़ता है, सब बेकार होता है, सूखता है। इस पर ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, और सारी भरपाई किसानों की। ये करते नहीं है। मैंने कम से कम हमारी पार्लियामेंट के भाषणों को देखिए, मैंने दर्जनों बार कहा है कि हमारे यहाँ लगभग हर साल, अब लगभग ये पहुँच गई है 60 करोड़ प्रति साल के हिसाब से जो फसल नष्ट हो जाती है, 60 हज़ार करोड़ हर साल, पहले 50 हज़ार करोड़ के आसपास थी, क्यों कोई व्यवस्था नहीं कर रही गवर्नमेंट। जो मैं तो कमेटी का, एग्रीकल्चर कमेटी का 4 साल चेयरमैन रहा, उस बार 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 रिकमेंड किया कि ऐसा करना चाहिए, कुछ व्यवस्था कीजिए, फूड प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं। किसान जो आज भी सबसे ज़्यादा लगभग 63% लोगों को रोजी रोटी देता है, उसकी अगर प्रति इतनी अनदेखी की जाएगी तो देश जाएगा कहाँ आखिर? इससे ज़्यादा तो रोजी देता नहीं कोई। अडानी कितने लोगों को रोजी दे सकता है? जी जी, 1000-2000। बिल्कुल सर। सर, ये क्या रास्ता आपको क्या दिखता है? सर, ये क्या आंदोलन ये खत्म होगा, ये कानून खत्म होगा, संशोधन पे आप लोग बात? जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, तब तक कोई किसानों की समस्या का सुलझा नहीं, इसका अंत यही है।